बैक माई ब्लॉग्स चैनल। और आज मैं जा रही हूँ नीचे घूमने। इतने दिनों बाद मैं जा रही हूँ। आज 16 दिन हो गया, 16 के 17 दिन हो गया। 17 दिन बाद मैं जा रही हूँ नीचे। दिल्ली का ठंड तो अभी तो मुझे सीढ़ी पे बहुत ही आराम से उतरना पड़ता है। मैं नीचे उतर गई हूँ बहुत ही आराम से, कोई भी रिस्क नहीं ले रहा हूँ। जल्दी जल्दी ठीक होना है मुझे और मैं आ गई बाहर। तो वो ठंडा है यहाँ का मौसम। दरवाजा बंद कर दो। तो मैं जा रही हूँ, एक राउंड करूँगी और उसके बाद मैं आ जाऊँगी, क्योंकि टहलना बहुत ज़रूरी है। और मैं कितने दिनों बाद घर से बाहर, 17 दिन बाद, 17 दिन बाद मैं घर से बाहर निकल रही हूँ। हैप्पी, खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए क्योंकि इतने दिनों बाद मैं देख रोड पर खड़ी हूँ। ये रहा यहाँ का मौसम। ठंड में काम करना इम्पॉसिबल। हमारे घर के पास में एक मंदिर है और यहाँ से मेरा वो दूसरा घर दिखता है, लेकिन अभी ये दीवार लग गया ना इसलिए उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले नहीं लगा था तो दिखता था। ये देखो लेब्रा चला गया, तो मुझे ये पकड़ के ले जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब कि जेल में से निकल के आती हूँ बाहर। तो ये हमारा कॉलोनी है और इस कॉलोनी का नाम सारिका है। सॉरी मैं नाम बता रही नहीं बता रही मैं। तो मतलब हमारे साइड में ना बहुत ही अच्छे अच्छे घर हैं हमारे एरिया में, जिस एरिया में मैं रहती हूँ। और इस घर का गली बहुत शांति है, बहुत शांति। यहाँ के लोग ना अधिकतर घर ही में रहते हैं मेरे ख्याल से, तो सिर्फ सुबह में दिखते हैं और उसके बाद शाम में। तो मैं घर में रहते रहते पिंपल आ गया मुझे, पिंपल। मैं आ गई हूँ अपने दूसरे वाले घर पे। तो मैं आ गई अपने दूसरे घर के पास। वो काली ये रहा, तो मैं नहीं जा रही हूँ, मैं दूसरे वाले घर पर नहीं जा रही हूँ। तो मैं आ गई फाइनली अपने पहले वाले घर के पास और मुझे घूम के बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा यहाँ पे एक बात लगता है, ये वाला सेट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा आती हूँ ना शूटिंग पर से, तो मैं इस पे ज़रूर बैठती हूँ। रिलैक्स। बैठो।
बाहर तो दे तो आज मैंने ना जो मेरा ब्लॉग्स रिलीज हुआ था तो मैंने अपनी तबीयत के बारे में बताया था उसमें, और उसमें बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। सो सभी को थैंक यू, और आपने इतना ढेर सारा प्यार दिया मुझे, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद आप लोग का। आलोक यादव दीदी आप कैसी हैं अभी, और घर पे बाबू नहीं दिखा तो प्लीज़ कभी उसे भी दिखाएं जी। आलोक मैं ज़रूर दिखाऊंगी बाबू को, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। अभी मुझे केसवी को दिखाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है इसलिए। और आरडीएक्स भगवान करे कि आप जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरोज, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया है तो मैं कभी एक बार ज़रूर कमेंट्स पढ़ के सुनाऊँगी आप लोग को। जितने लोगों ने भी मुझे कमेंट्स किया है और मुझे आशीर्वाद दिया है उसके लिए दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप हमारे ब्लॉग्स में बने रहिए। Thank you.